हाय, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं आप सबका अपना प्रदीप पांडे चिंटू, एंड हियर आई एम आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिनों के बाद आज लाइव हुआ हूँ मैं, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आज इंस्टाग्राम पर लाइव हुआ हूँ। सो हियर आई एम आप सबके सामने, आप सबके बीच, ऑन दिस वेरी व्हाट शुड आई से, मैं क्या बोलूँ मुझे, क्योंकि आज का दिन हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ब्लैक डे है, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले पुलवामा हमले में हमने अपने कई वीर जवानों को खो दिया था। और मैं बस उन सभी जवानों को, उन सभी शहीदों को दिल से मैं हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, और उनके परिवारजनों को नमन करना चाहता हूं। शब्द नहीं मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। सो सबसे पहले तो मैं उन सभी को शत-शत नमन करना चाहता हूं, और बहुत जब भी कोई शहीद की बात आती है तो एक अंदर से एक क्या बोलूँ मैं, बहुत अलग से एक फीलिंग जाग जाती है। सो सबसे पहले तो मैं उन सभी शहीदों को और साथ साथ हमारे इंडियन आर्मी को मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। सो दिल से सलाम है उनको, दिल से सल्यूट है उनको, उन सभी को, हमारे फौजी भाइयों को, हमारे इंडियन आर्मी को, हमारे शहीदों को, जिनकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, हमारे परिवार सुरक्षित है, हम सभी लोग सुरक्षित हैं, हम सभी लोग सेफ और हंसी खुशी रह रहे हैं इस पॉजिटिव माहौल में। सो बहुत 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 सलाम है आप सबको। और आज के दिन जिन भी वीर जवानों को हमने खोया था, उन सभी को दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, और उनके परिवार को मैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है या किसी भी मेरे फौजी भाई तक पहुंच रही है, तो मैं उन सब का, मैं दिल से, मेरे और मेरे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान आप सबका दिल से ऋणी है, सदैव ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। आप सबका एहसान, हम सभी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आप सबका, आप लोगों का एहसान मंद है, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। 9 माओं को शत-शत नमन है जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, और उनके जिगर को, उनके करेजे को मैं शत-शत में नमन करना चाहता हूं। सो और साथ ही साथ आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो जितने भी खूबसूरत जोड़ी हैं, कि जितने भी खूबसूरत जोड़े हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो कपल्स हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड्स हो, या साथ साथ चाहे वो अच्छे दोस्त ही क्यों ना हो, वैलेंटाइंस का मतलब सिर्फ कपल्स ही ज़रूरी नहीं, बल्कि अच्छे दोस्तों में भी वैलेंटाइंस मनाया जाता है। सो आप सभी लोग को वैलेंटाइंस डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और मैं यही, मेरी आज के दिन यही कामना है कि जिस चीज़ के लिए, जिस हम लोगों के लिए, जिन लोगों ने, जो लोग शहीद हुए, जो वीर जवान शहीद हुए, कि ताकि हम खुश रह सकें, हम लोग सुरक्षित रह सकें, तो आप सबसे बस वही बात है। लोग, कई लोग तो वैलेंटाइन डे को एक अलग मतलब में भी ले जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने साथी के साथ एक साथ रहें, आज के दिन खुश रहें, और सभी को बहुत प्यार करें, एक दूसरे को बहुत प्यार करें, उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें, उन्हें समझें, उनका साथ कभी ना छोड़ें। सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने पार्टनर का, अपने जीवन संगिनी का साथ कभी ना छोड़ें, उन्हें समझें, उन्हें खूब सारा प्यार करें, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में बनाए रखें, साथ बनाए रखें, और एक दूसरे को समझते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। और फिर से आप सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू।
हमारे साथ देखिए काजल राघवानी जी भी जुड़ी हुई हैं। हाय काजल जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड यू टू। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे काजल जी। आज काजल जी का शो है मनपेत छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। हाँ, अंबिकापुर में आज उनका शो है, तो जितने भी अंबिकापुर के लोग हैं अगर जो देख रहे हैं वीडियो, तो वो लोग जाकर ज़रूर उनके शो में उनका हिस्सा बने और जाकर उनका शो को एंजॉय करें। आज वैलेंटाइंस डे के दिन उनका शो है, तो आप सबको बहुत मज़ा आएगा। और अभी मैं जिस फिल्म के शूट कर रहा हूँ, जिस फिल्म का नाम है loveviva.com। अच्छा, हाँ, काजल जी भी बोल रहे हैं कि लाइव लीजिए, तो मैं उनको भी ज्वाइन करता हूँ इसमें। आप सबको बहुत मज़ा आएगा। सो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आज आप सबके साथ लाइव हुआ हूँ। हाय हाय हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी हैं, आपके फैंस, हमारे फैंस, सबको हैप्पी वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत 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 सारी विशेष हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और हमेशा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हम सबको ऐसे ही खूबसूरत हमेशा बनी रहें और हम सबको ऐसे ही एंटरटेन करती रहें। एंड आज आपका शो है, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स, मैं रेडी हो रही हूँ। हाँ, वो लगा मुझे आपको देख के कि आप रेडी हो रही हैं। नहीं लगा अभी तक, बस। आप उसके बिना भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। आई नो, आई उसकी नो। जरूरत नहीं है। यस, और हम लोगों की, हम मेरी और काजल जी की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आप सबके बीच बहुत जल्द आएगा, बल्कि एक नहीं दो फिल्म है, जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावेला एंड और इश्क। इश्क। हाँ, यस, तो क्या ये कर दोनों रहे हैं? फिल्में मैं बस हम लोग शूटिंग कर रहे थे loveviva.com की, जिसका क्लाइमेक्स एक्शन शूट चल रहा था। आम्रपाली जी शायद वो ब्रेक हुआ है, तो वो शायद खाना खा रही होंगी। और मेरा दोस्त और हाँ, अनंजय अनंजय रघुराज जी भी खाना खा रहे होंगे, चूंकि ब्रेक हुआ है तो हाँ, अनंजय जी भी खाना खा रहे हैं। हाँ, और बढ़िया। बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आप सबको बता दूं कि पहली बार मैं और आम्रपाली दुबे जी हम लोग साथ आ रहे हैं सिल्वर स्क्रीन पर, जिसमें काजल राघवानी जी ने एक बहुत ही कमाल का स्पेशल सॉन्ग किया है हम सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच काजल जी, और ये थोड़ा बहुत प्रोफेशनल ही हो रहा कमाल। है अभी। हाँ, नहीं बटो प्रोफेशनल टॉक लग रहा है ना बहुत। नहीं, बट आपने एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम सब के लिए किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे अनंजय रघुराज जी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो पहले प्रोड्यूसर रह चुके हैं, आप सबको बता दूं, पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना और भी कई सारी फिल्मों के, मेहंदी लगा के रखना 2 मैं अपनी बात करूंगा, तो जो जो वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं, अब वो डायरेक्टर बने हैं, और पहली बार वो निर्देशन का कमान थामे हैं और बहुत कमाल का डायरेक्शन कर रहे हैं। बहुत कमाल की फिल्म बन रही है loveviva.com, वो आप तो है सबको। ही, एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है। पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना, उन्हीं के अंडर बनी हुई है, उन्हीं के कई सजेशंस उनके रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारा दोस्त तो टैलेंटेड है ही। देखिए, हमारी काजल जी तो रेडी हो रही हैं आज वैलेंटाइंस डे के दिन, और कितनों को मारेंगी, कितनों को बेहोश करेंगी, कितनों की जान लेंगी। अब वैसे ही बहुत कयामत आती है। वेरी फन, मैं तो चाहती हूँ सारो लाल जी। नहीं, वो है, आपको तो करोड़ों लोग प्यार करते हैं। हाँ, उनमें से हम सभी लोग हैं। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और किसी ने कहा कि आप नंबर एक नंबर जोड़ी गौरव हमारे, हाँ मैं नाम भी ले लूं, गौरव भाई ने कहा है, सो थैंक यू सो मच गौरव भाई। मैं ऐसे इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मैंने आपको लाइव देखा। हाँ, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, चलो जुड़ने को कोई भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप फैन से भी बात करो। हाँ बिल्कुल, चलो बाय, सी यू।
बाय, आप रेडी हो जाइए, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे और एंड सबको बोलना, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट जी। सबको विश हाँ मेरी तरफ से, सबको सबको सबको, आम्रपाली जी को भी, सबको विश कर देता हूँ। मेरे मामू को भी बोल देना प्लीज। हाँ मैं प्रदीप सिंह जी, जो आपके माम नहीं, यहाँ पर नहीं बिल्कुल नहीं, उन्हें भी मैं विश कर दूंगा, पूरे यूनिट को विश कर दूंगा आपकी तरफ से। बाय, सी यू, टेक केयर। बाय, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बिल्कुल, आज आज का दिन बहुत ही ज्यादा, मैं सुबह जब कल से ही मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, कल से ही मैं बहुत ज्यादा भाव विभोर हो रहा था, क्योंकि आज का जो दिन है ये हम भूले से भी नहीं भूल सकते हैं। ये दिन, आज का दिन हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कई सारे दिन हैं, लेकिन ये जो था पुलवामा हमला जो था, ये बहुत ही कायरतापूर्वक हमला था। और मैं क्या कहूँ, मैं बस मेरे मुंह से शायद कुछ अपशब्द ही निकल सकता है लोगों के लिए जिन जिन्होंने ये कायरतापूर्वक ये हरकत की थी। एक और बात आप सबको बताना है कि 26 फरवरी को, 26 फरवरी को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, द मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिस फिल्म का नाम है प्रेम गीत, जिसके ट्रेलर्स आप सबने देखे हैं यूट्यूब पर, और काफी खूबसूरत फिल्म है, काफी कमाल की लव स्टोरी है और साथ साथ एक धमाकेदार एक्शन है। पहली बार ऐसा एक्शन आप सबको भोजपुरी सिनेमा में देखने को मिलेगा, और वो फिल्म प्रेम गीत 26 फरवरी 2021 को, यानी कि अभी आने वाले 26 तारीख को आप सबके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। सो जाकर जरूर देखिए, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए, खास तौर पर क्योंकि वो फिल्म बहुत ही कमाल की लव स्टोरी है, एक बहुत ही अच्छी इमोशनल लव स्टोरी है, आप सबको बहुत मजा आएगा। और लव स्टोरी के साथ साथ उसमें शायरीज बहुत अच्छे अच्छे हैं, उसमें सीक्वेंसेस आप सबको बहुत हंसी भी आएगी, कॉमेडी, इमोशंस, और जो आज का जो दिन है वैलेंटाइंस डे, जो हम जब किसी के लिए जो कुछ फील करते हैं, प्यार करते हैं किसी को दिलो जान से, तो वो प्यार, वो फीलिंग उस फिल्म में दिखाई गई है, तो आप सब लोग जरूर जाकर देखें। और जिन लोगों ने अब तक प्रेम गीत का ट्रेलर अगर नहीं देखा है किसी भी कारणवश, तो आप लोग जाकर जरूर देखें यूट्यूब पर प्रेम गीत का ट्रेलर, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर इसके ट्रेलर है, और इस फिल्म को सिनेमा हॉल में ही देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म को खास तौर पर देखने का मजा सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल में है, तो सिनेमा हॉल में जाकर इस फिल्म को जरूर देखिएगा प्रेम गीत, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। पूरे परिवार के साथ जाइएगा क्योंकि पारिवारिक फिल्म है, अपने दोस्त यार के साथ जाइएगा, जिसके भी साथ आपके जाने की इच्छा हो तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह पारिवारिक है, तो आप लोग जाकर जरूर देखें। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कुछ लोग बहुत जो भाड़े के टट्टू हैं, तो आप लोग, मैं बाकी अपने अपने फैन से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन भाड़े के टट्टुओं को, जो भी जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो उन भाड़े के टट्टुओं पे बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि वो सब लोग पैसे पे जीते हैं, और तो जो जो लोग जिनके तरफ से वो लोग ये सब कमेंट्स कर रहे हैं, जिनके भाड़े पर वो लोग जी रहे हैं, जिनके टुकड़े पर, तो कृपया करके उनके उनके बातों को रिएक्ट ना करें। ऐसे लोग इस धरती पे बहुत ही व्यर्थ लोग हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके लाइफ में अपनी कोई स्टैंडिंग और अपना कोई उद्देश्य नहीं है कि वो खुद क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो सिर्फ दूसरों के बहकावे में और दूसरों की झूठी बातों में आकर, और साथ साथ कुछ तो भाड़े के लोग हैं, तो कुछ नहीं मतलब सारे भाड़े के लोग हैं, तो कृपया करके उन पर ध्यान ना दें आप लोग। आप लोग सिर्फ अपने भाई से प्यार करते रहें, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ, आप सबकी दुआएं, आप सबका प्रार्थना ही मेरा कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से मैं अपना काम सफलतापूर्वक कर पाता हूं, और आप सब ने हमेशा मेरे विश्वास को, मेरे कॉन्फिडेंस को हमेशा आप लोगों ने और आगे बढ़ाया है। जब भी मेरी कोई भी फिल्म आई है, तो आप सब लोगों ने मेरी फिल्म को बढ़ चढ़ कर जाकर सिनेमा हॉल में देखा है, यूट्यूब पर आप सब ने मेरे गानों को सुना है, आप लोगों ने इतना मेरे गानों को सुना कि मेरा गाना पांडे जी का बेटा हूँ भोजपुरी सिनेमा का नंबर 1 हाईएस्ट व्यू गाना है यूट्यूब पर,
भोजपुरी सिनेमा का। तो थैंक यू सो मच, ये आप सबकी देन है, आप सबकी वजह से हम हैं, प्रदीप पांडे चिंटू है। सो आप सब लोग हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जरुण भाई थैंक यू सो मच, राजन काजल थैंक यू सो मच, स्वप्ना झा जी आपकी मूवीज बहुत अच्छी रहती है, थैंक यू सो मच स्वप्ना जी। आप सब लोगों को जिसको भी मुझे मुझसे कुछ भी अगर बात करनी है तो बिल्कुल आप सब लोग कमेंट्स में मुझसे जो भी सवाल पूछना हो या मुझसे कोई भी बात करना हो या अपने कोई भी दिल की बात करनी हो, कोई भी दिल की बात बोलनी है, चूंकि आज दिन ही ऐसा है कि आप सब लोग अपने दिल की बात रख सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं, जरूर करिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगे आप सबसे बातें करके। जानवी जी आप मेरा भी नाम, हाय जानवी जी, देखिए आपका नाम ले लिया। राहुल सिमोन सन, हेलो पांडे जी, हाउ आर यू, आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू राहुल। चौहान शिवांगी जी हाय, प्रिंस प्रजापति जी हेलो सर हेलो, राम शंकर जी हाय राम शंकर भाई, रियांशु यू आर वेरी गुड भैया, थैंक यू सो मच। छोटू भाई आपसे बात करना है, हाँ छोटू भाई बोलिए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। शुक्ला गी, शुक्ला जी 412 हाय शुक्ला जी, सुनीता देवी जी हाय सुनीता देवी जी, मोहम्मद शहनवाज भाई प्रेम गीत ब्लॉकबस्टर होगी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आप ही सबके कॉन्फिडेंस की वजह से तो मैं अच्छी अच्छी फिल्में करने का प्रयास करता हूँ, और मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है, हमेशा कोशिश रहता है कि कोई भी फिल्म करूं तो आप सब लोग सीना ठोक कर कहीं भी बोल सकें कि देखिए ये हमारी भोजपुरी फिल्म है, ये मेरे अपने चिंटू पांडे की फिल्म है, प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म है, हमारे भोजपुरी हमारे भाषा की फिल्म है, और प्रेम गीत उन्हीं में से एक है। आप सब लोग जैसे ही जब भी प्रेम गीत देखेंगे तो मुझे पूरा 100% ये कॉन्फिडेंस है कि आप सबको सीना ठोक कर आप लोग ये कहीं भी बोल पाएंगे कि देखिए ये हमारी भोजपुरी फिल्म है। कीर्ति मैं आपकी सारी मूवीज देखती हूँ, आपकी सारी मूवीज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच कीर्ति। बादशाह विशाल व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, बस आप सबसे बातें कर रहा हूँ भाई, और मेरी फिल्म loveviva.com की शूटिंग कर रहा हूँ, तो चूंकि अभी मैंने शूटिंग को कुछ देर ब्रेक देकर सब खाना खा रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप सबसे मैं बात कर लूँ, चूंकि काफी टाइम हो गया कि आप सबसे मैं बात नहीं कर पाया, काफी समय बाद आज मौका मैंने निकाला है, मेरे ख्याल से काफी महीने बीत गए, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप सबसे बात करूँ, आप सबसे जुड़ूँ, आप सबसे रूबरू हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख सबसे बड़ा खुशी मिलता है जब आप सबसे बात करता हूँ। अनुराग शुक्ला मेरा नाम ले लो प्रभु, हाँ अनुराग भाई बिल्कुल, पूजा पांडे जी लव यू, थैंक यू सो मच पूजा जी, लव यू टू, भोजपुरिया दबंग आई लव यू भाई, आई लव यू टू भाई। नित्या राठौर जी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, थैंक यू सो मच नित्या जी। अंकित पांडे हम आपके बहुत बड़ा फैन भाई भैया, थैंक यू सो मच अंकित पांडे जी। मोनू कुमार गुप्ता हाय, मोनू कुमार गुप्ता भाई, साधना जी प्लीज रिप्लाई, हाय साधना जी, प्रजापति शानवी जी सर आप बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। प्रद्युमन पांडे जी चुम्मा ले रहे हैं भाई, कविता वर्मा जी मुझे आपकी विवाह मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद है, थैंक यू सो मच कविता जी, मुझे भी विवाह फिल्म बहुत पसंद है। सुमित भाई बवाल मचेगा भोजपुरी में एक बार फिर, हाँ बिल्कुल। गोलू राज भाई मेहंदी लगा के रखना टू मूवी बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। अक्षा डी यू लाइक मराठी, हाँ मला मला मराठी खूब आवडता है, आणि मला येते पण मी मराठी बोलतोय पण, थैंक यू सो मच। प्रियंका राज लव यू भैया, लव यू टू भाई। जयश्वर आई लव यू टू। गंगा रॉय जी आई लव यू सो मच, आई लव यू टू गंगा रॉय जी, थैंक यू सो मच। VK9420 हाय भाई। पूजा पांडे जी आप तो भूल ही गए, नहीं मैंने जैसा कि बताया कि मैं खुद 5-6 महीने से अपने घर नहीं जा पाया हूँ, मेरे घर भी नहीं क्योंकि शूटिंग लगातार हो पा रही, चूंकि कोरोना की वजह से मैं शूटिंग नहीं हम लोग कोई भी नहीं कर पा रहे थे, तो काफी फिल्मों के जो डेट्स थे वो मैनेज करने के लिए लगातार शूट करना पड़ रहा है, सो इसके लिए आप सबसे मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा कि आप सबसे बात नहीं कर पाया, लेकिन अब जब भी मौका मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी लाइव आता रहूंगा आप सबके लिए। ऑफिशियल
अरुण कुमार जी, विश यू वेरी बेस्ट फॉर पांडे जी का बेटा सॉन्ग के लिए, 450 मिलियन व्यूज, गुड। हाँ थैंक यू सो मच। ये बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि आप सब की वजह से, देखिए पांडे जी का बेटा हूँ, 450 मिलियन क्रॉस कर दिया है। बस आप सब लोग अभी फिर से और देखते रहे कि ताकि जल्दी से 500 मिलियन क्रॉस हो जाए। शेयर करिए अपने अपने सोशल मीडिया पर, शेयर करिए उस गाना को और सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए पांडे जी के बेटा को, यानी कि चिंटू पांडे को, आप सबके अपने चिंटू को, प्रदीप पांडे चिंटू को, जल्दी से, कि ताकि 500 मिलियन हो और फिर से मैं लाइव आऊं आप सबके बीच में, आप सबको धन्यवाद देने के लिए। और मैं एक बात बता दूं कि आप सबको, आप सबका मैं हमेशा रेडी रहूंगा। आप सबने जो 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 चीज मुझे दिया है, मैं ये ताउम्र में नहीं बोल सकता हूँ, इतनी कम उम्र में, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। रोहित, रोहित 033 के ब्लॉकबस्टर किंग, थैंक यू सो मच भाई। पायल, एक मैसेज नहीं, मैंने अभी अभी जस्ट, पायल जी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो जिसके जिसके मैसेज मिल रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ। संतोष कुमार भाई, मुझे आपकी व्यूअर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। पुष्प्रिया धवन, सो स्वीट एंड सो क्यूट, थैंक यू सो मच। बेबी सुषमा, थैंक यू सो मच सुषमा जी। मार्शल देवजीत, बंगाली में कुछ बोली ना, के मना छो देवजीत दादा, के मना छो। पायल, थोड़ा सा नहीं ज्यादा बोलिए भोजपुरी। हाँ बिल्कुल। अमित प्रजापति जी, आई लव यू सर, आई लव यू टू। समीर सुल्तान, हाय समीर सुल्तान भाई। अरविंद शुक्ला, हेलो हेलो। संजू शाह, संजू शाह जी हाय। ऑफिशियल ज्योति चौहान जी, भोजपुरी में कुछ बोलिए ना, बताइए हम का कहें, हम आप सबसे बहुत प्यार करेंगे, दिल से प्यार करेंगे, और ये प्यार जीवन भर कायम रही। और आप सब से भी एगो हम वादा चाहता नहीं कि आप सब भी अपन प्यार ऐसे हमरा ऊपर कायम रखें। निशा डांसर, हाय निशा डांसर, हाय निशा जी, हाउ आर यू। मायसल देवजी भाई, भैया नायक फिल्म मौसम था, थैंक यू सो मच भाई। श्याम यदुवंशी जी, ससुरा बड़ा सतावला मूवी कब रिलीज होगी? बस बहुत जल्दी रिलीज होगी भाई, बहुत जल्दी, अभी उसके काम चल रहे हैं, जैसे ही काम खत्म होता है बहुत जल्दी रिलीज होगी, बहुत जल्दी फिल्म आने वाली। तो भाई और मेरे जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे ये विनती है कि 26 फरवरी, 26 फरवरी को, आने वाले 26 तारीख को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर ऑल ओवर इंडिया फिल्म रिलीज हो रही है प्रेम गीत, जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें, जरूर देखें। एंड थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी, कीप ब्लेसिंग मी, कीप लविंग मी, बहुत प्यार करता हूँ आप सबसे। निधु, आई एम इन लव विथ योर वॉइस, थैंक यू सो मच निधु, थैंक यू सो मच। पूजा ठाकुर जी, एक बार पांडे जी का बेटा हूँ सॉन्ग सुनाइए प्लीज। सॉन्ग सुनाने में अगर मेरे जो दिमाग में जो सुबह से आ चल रहा, जो मैंने अभी फेसबुक लाइव में भी जो मैं लाइव में भी जो मैंने सुनाया है, मैं चाहूंगा कि वही गाना मैं फिर से आपको यहाँ पर अभी मैं सुनाऊँ, क्योंकि आज का दिन ये गाना तो जरूर बनता है, क्योंकि ये मेरे ही दिल की आवाज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के दिल की आवाज है, हम सब के दिल की आवाज है, आपके भी दिल की आवाज है। और मैं सुबह से ये गाना गा रहा हूँ, और कई बार मेरी आंखें नम हो जा रही, कई बार मेरी आंखें भीग जा रही है, कई बार आंख में मेरे पानी आ जा रहा है, पानी क्या कहूंगा, आंसू आ जा रहे हैं बस ये सोच सोच के। और कई सारे फोटोज हैं पुलवामा हमले के देख देख के, तो मुझे बहुत दिल दहल जाता है। बस जाते जाते, क्योंकि अब शूटिंग मेरा स्टार्ट हो गया, लोग बुलाने आए हैं, तो मुझे शूटिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो जाते जाते बस एक गाना मैं जरूर गाना चाहूंगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस में लाइव जरूर होऊंगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी
आजादी जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पे न्योछावर। वो वीर थे कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, भारत माता की जय। सल्यूट है दिल से इंडियन आर्मी को। और मेरा ये वीडियो आप लोग अगर शेयर कर सके या मेरा ये वीडियो लोगों तक पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाएं, और मुझे बेहद खुशी होगी और गर्व महसूस होगा अगर मेरा ये वीडियो और मेरी ये बात, मेरी आवाज़ अगर एक भी मेरे इंडियन आर्मी, मेरे फौजी भाई तक पहुंच जाए। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि दिल से आप सबको सल्यूट है, दिल से आप सबको सलाम है। आपकी वजह से आज हम सभी लोग, मैं और मेरा परिवार और साथ साथ हम सभी लोग, हम सभी का परिवार आज सुरक्षित है, सेफ है और चैन की सांस ले रहा है। हंसी खुशी हम लोग जी रहे हैं, अपना लाइफ बिता रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग हैं, आप ही सबकी वजह से। सो थैंक यू सो मच, दिल से आप सबका धन्यवाद। हम हमारा पूरा पूरा देश है, पूरा हिंदुस्तान है आप सबका ऋणी। थैंक यू सो मच, आपके परिवारजनों को शत शत नमन। थैंक यू सो मच, और मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी फिर से लौटूंगा लाइव वीडियो के साथ आप सबके बीच। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी। दिल से जो भी पोस्ट करूँ उसे लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग बहुत लोग हैं जो कमेंट्स नहीं करते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स देखना देखता हूँ, मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ, सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। सो प्लीज कमेंट्स करते रहे मेरे पोस्ट पर, इस पर भी। थैंक यू सो मच, दिल से लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।